अत्तर के वाटले पत्थर को तोड़ो, राम जी का नाम लो, मस्जिद को तोड़ो। लड़के ने मस्जिद को तोड़ने के बारे में बनाया वीडियो, पकड़ा गया, माफी मांगने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं। कुछ ना समझ लड़के इसमें ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उन्हें भारी पड़ जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो ये पैगाम दे रहा है कि वायरल होने के लिए कुछ भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल एक वीडियो कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है जिसमें एक लड़का मस्जिद के बारे में आपत्तिजनक कमेंट करता नजर आ रहा है। वीडियो में लड़का मस्जिद को तोड़ने की बात कह रहा है। ये देखकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने जब इस लड़के को पकड़ा तो उसने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि मेरा नाम वैभव कोहली है और मैं महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरा वीडियो पोस्ट किया था। मैं पहले भी नफरत फैलाने वाले पोस्ट कर चुका हूँ। मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे कुछ नहीं मिलता बल्कि जिंदगी खराब होती है। लड़का आगे कहता है कि पुलिस अधिकारी ने मुझे मेरी गलती समझाई है। मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरी तरह कोई गलती मत करो, इससे अपना ही नुकसान है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सबसे। सोशल मीडिया पर वैभव का वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर यूजर्स के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। स्वाति दीक्षित नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इंस्टाग्राम के सारे फिल्टर उड़ गए। यश नाम के एक शख्स ने लिखा, वैसे इनके लिए बुरा लग रहा है, पढ़ने की उम्र में नफरती जहर पी रहे हैं। परवेज आलम नाम के एक यूजर ने लिखा, ये सब नेट फ्री में मिलने का नतीजा है, भारत सरकार को नेट का दाम बढ़ाना चाहिए। संतोष कुमार नाम के एक यूजर ने वीडियो पर कॉमेंट किया कि इसको इतनी आसानी से छोड़ दिया, अब पक्का क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। एक शख्स ने वायरल वीडियो पर लिखा, हम सावरकर नहीं चाहते, कार्रवाई की जानी चाहिए और जेल की सजा काटनी चाहिए। एक साधारण माफी और अपने ही बच्चे वाला कारण काफी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि सोशल मीडिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।